हाँ तो भाई, जेन एक्स और जेन वाई में हमेशा से झगड़ा रहा है ना। जेन वाई कहती है कि भाई नए जमाने के हैं, बहुत स्मार्ट है हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं। लेकिन भाई उनको कौन समझाए कि जिंदगी के लिए लगता है तजुर्बा, जो कि होता है जेन एक्स के पास। अब जेन एक्स क्या बोल रही है ये सुनिए। कौन कहता है हम ओल्ड हैं, कौन कहता है हम ओल्ड हैं, अजी हम तो प्योर गोल्ड हैं। सुनते सुनते थक जाओगे, सुनते सुनते थक जाओगे, कितने किस्से हैं हमारे जो आज भी अनटोल्ड हैं। अरे तुम कर लो कैलकुलेट, अरे तुम कर लो कैलकुलेट बेटा, जितनी तुम्हारी एज है उससे कहीं ज्यादा तो हमारे खट्टे मीठे अनुभव से भरे डायरी के पेज हैं। मुए आजकल के इश्क से हमारा कोई नहीं है कंपैरिजन, सुना? मुए आजकल के इश्क से हमारा कोई नहीं है कंपैरिजन, हमारी थ्योरीज के पीछे तो होते थे सॉलिड वैलिड रीजन, हम तो हर चीज में रखते थे तसल्ली। तसल्ली जरूरी है ना भाई, हम तो हर चीज में रखते थे तसल्ली। और बेटा आजकल क्या होता है, बस एक्शन और फिर रिजेक्शन। क्यों, सही बात है ना, जो आती थी मुश्किलें, अरे भाई लाइफ है तो मुश्किलें तो आएंगी है ना, तो जो आती थी मुश्किलें तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे टाइट, जो आती थी मुश्किलें तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे टाइट। बच्चों तुम्हारी तरह नहीं कि बाबू सोना नहीं बोला तो बस हो जाती है फाइट, सिर्फ एक दूसरे को ही नहीं, सिर्फ एक दूसरे को ही नहीं, एक दूसरे के परिवार को भी करते थे प्यार। और सबसे जरूरी होती थी कमिटमेंट, कमिटमेंट समझते हो ना, वादा। और सबसे जरूरी होती थी कमिटमेंट, हर एक सदस्य होता था जरूरी, सभी होते थे बेहद इम्पोर्टेंट। सीधी सादी जिंदगी बिना शोशा के जीते थे, आजकल क्या होता है पार्टी। सीधी सादी जिंदगी बिना शोशा के जीते थे और अपने ही तरीके से करते थे एंजॉय। जब रिश्ता अंदर से होता है ना गहरा और मजबूत, जब रिश्ता अंदर से होता है ना गहरा और मजबूत, उसको कोई नहीं कर सकता डिस्ट्रॉय, समझ लो। अब बनते हैं रिलेशनशिप फोन पर, है ना, सही बात, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम, अब बनते हैं रिलेशनशिप फोन पर और वहीं हो जाते हैं ओवर, क्योंकि भैया सबके सब हैं ओवर स्मार्ट, है ना, क्योंकि भैया सबके सब हैं ओवर स्मार्ट, कोई बचा ही नहीं है सिंपल सोबर। अब भाई देखो कमिटमेंट कैसी होती है वो तो सुन लिया, अब मेरी जो ये बुढ़िया है ना जेन, कौन सी जेन, जेनरेशन एक्स की बुढ़िया, वो क्या कहती है। बुढ़ा मेरा बहुत स्वीट है, देखो जिंदगी भर रहा है लॉयल, बुढ़ा मेरा बहुत स्वीट है, देखो जिंदगी भर रहा है लॉयल। मैंने उम्मीद नहीं की कभी कोई, मैंने उम्मीद नहीं की कभी कोई, फिर भी ख्याल रखा मेरा, एज इफ आई एम सम प्रिंसेस रॉयल। पीठ झुकाकर चलता है, अब पीठ झुकाकर चलता है, दांत भी थोड़े लूज हैं, फिर भी करता नहीं है रेस्ट। अब पीठ झुकाकर चलता है, दांत भी थोड़े लूज हैं, फिर भी करता नहीं है रेस्ट। पूरी जिंदगी निकल गई देखे कई, बट डूड ही इज द बेस्ट। अब भाई मेरी बुढ़िया है लाजवाब, तो उसके लिए चंद शब्द मैं भी बोलूंगा। ये बुढ़िया मेरी आज भी हॉट है, ये बुढ़िया मेरी आज भी हॉट है, थाम के वहां कहती है माय लव फिकर नॉट है।
ये सिर्फ एक गुलाब नहीं है, ये सिर्फ एक गुलाब नहीं है, मेरी बुढ़िया फूलों का है पूरा फ्लावर पॉट, है ना। तो भाई देखो, अब ध्यान से सुनो। तो भाई देखो, 100 बात की एक बात, हमारे जैसे तो बन नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें नहीं है टॉलरेंस। हमारे जैसे तो बन नहीं पाओगे क्योंकि तुम में नहीं है टॉलरेंस, पर कर सकते हो ना तो सिर्फ इतना कर लो, पर कर सकते हो तो सिर्फ इतना कर लो, इज्जत करो रिश्तों की, कोई शर्त ना रखो। भाई हमने तो यही सीखा है, इज्जत करो रिश्तों की, कोई शर्त ना रखो, जो मिले उसमें खुश रखो, जो मिले उसमें खुश रखो और रहो, फिर देखो जादू, गाड़ी चलेगी स्मूथ और कोई नहीं होगी टर्बुलेंस, और तुम्हारी सोच होगी गहरी, और तुम्हारी सोच होगी गहरी, तुम्हारी बातों में क्या जाएगा, तुम्हारी बातों में आ जाएगा सब्सटेंस। तो भाई कौन कहता है हम ओल्ड हैं, तो भाई कौन कहता है हम ओल्ड हैं, अजी हम तो प्योर गोल्ड हैं, हिम्मत हम में तुमसे कहीं ज्यादा है, ये बात नोट करके रख लो भाई, हिम्मत हम में तुमसे कहीं ज्यादा है, जज्बा रखते हैं हथेली पर, हिम्मत हम में तुमसे कहीं ज्यादा है, जज्बा रखते हैं हथेली पर, हम सोच में ना तुमसे कहीं ज्यादा बोल्ड हैं, हम ओल्ड हैं पर प्योर गोल्ड हैं।